बच्चों आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कल कल क्लास में कल हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज देखी थी, आज इस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 0.125 का क्यूब रूट। तो 0.125 क्या होता है, 0.5 का क्यूब। तो दिस इज 0.5 का क्यूब एंड होल पावर 1/3 इनटू, ये नंबर लिखा है 0.00032। तो 32 कितना होता है, 2 की पावर 5। 32 में आप पीछे आएंगे तो 1 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट पीछे डेसिमल लगा है। मींस क्या होगा अगर देखेंगे तो ये लिखा है 32 × 10 की पावर -5, या फिर 32 / 1 के आगे 50 मतलब वैल्यू है। तो अगर इसको आप काउंट करेंगे तो दिस विल बी 2/10 to the power 5 बनेगा, मींस 0.2 की पावर 5। तो ये जो लिखा है वो अंदर लिखा है 0.2 की पावर 5 और उसकी पावर क्या है -2 एंड होल पावर विल बी 1/5। ये जो फिफ्थ रूट लिखा है इसके लिए, तो इसको लिखेंगे 0.2 to the power -5 एंड होल पावर -2 एंड होल पावर 1/5। इसको देखते हैं, ये लिखा है 0.3 की पावर 5, दिस इज 0.3 to the power 5 होल पावर -3 एंड होल पावर 1/5 एंड दिस इज सिंपली 3 का क्यूब × 2/3। अब देखिए क्या बन जाएगा, इसके बाद 0.5 बचेगा, पहला टर्म सिर्फ दो मल्टीप्लाई होकर पावर 1 हो जाएगा इनटू, इसमें ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बनेगा 0.2 की पावर -2। तो -2 का मतलब 1/1 में आ जाएगा, तो दिस विल बी 1/0.2 to the power 2 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई होंगे तो दिस विल बी 0.3 की पावर -3 मतलब 1/0.3 का क्यूब एंड इनटू दिस नंबर विल बी 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होगी तो 3 का स्क्वायर बचेगा मींस 9। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 0.5 का मतलब होता है 1/2 एंड दिस विल बी 1/0.2 का स्क्वायर मतलब 5। 1/0.2 क्या होगा देख लीजिए आप, 5 होगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय ये नंबर जो बनेगा दैट इज 0.3 to 0.3 to 0.3। तो दिस विल बी बेसिकली 1/0.3 का क्यूब मीन 0.027 इनटू 9। ओके नाउ ये सबसे ऊपर जाएगा तो दिस विल बी 0.027 इनटू 25 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 9। मैं इसको यहां से कैंसिल करता हूं तो नीचे 1000 आ जाएगा, 9 से कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, 25 से कैंसिल करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो दिस विल बी सिंपली 3/8। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या आई है 3/80 सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, अब हम लोग और क्वेश्चन लिखते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ
5 to the power x minus 3 multiplied by 3 to the power 2x minus 8 is equal to 225. तो 5 की पावर में x माइनस 3 लिखा है, 3 की पावर में 2x माइनस 8 लिखा है, राइट साइड पे 225 लिखा है। तो 225 के फैक्टर करिए पहले कितना आएगा, तो इसको 3 से डिवाइड करिए तो दिस विल बी 3 इंटू 75, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे दिस विल बी 3 इंटू 3 इंटू 25 मीन्स दिस इज 9 इंटू 25 मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब देखिए ये जो लिखा है दिस इज 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8, तो यहां पर लेफ्ट में भी 5 का पावर है, राइट में भी 5 का पावर है, लेफ्ट में 3 का पावर है, राइट में 3 का पावर है, तो ये इक्वल कब होंगे, जब करस्पॉन्डिंग पावर्स इक्वल होंगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 2, 2x माइनस 8 शुड बी इक्वल टू 2। बस सॉल्व कर दीजिए, यहां से भी आपको क्या मिलेगा x इक्वल टू 5, यहां से भी क्या मिलेगा x इक्वल टू 5। अगर अगर सॉल्व करने पे x इक्वल टू 5 नहीं मिलता दोनों से, तो हम लोग बोलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए देखिए सिंप्लीफाई करते हैं पहले इसको, तो सबसे पहले पावर सारी कंबाइंड कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या बनता है। तो दिस इज 9 की पावर n का मतलब है 3 का स्क्वायर पावर n इंटू 3 का स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई होंगी पावर, तो दिस विल बी इंटू 3 टू द पावर सिर्फ n बचेगा, माइनस 2 एंड नीचे माइनस 2 कट जाएगा, माइनस 27 मतलब 3 का क्यूब होता है और पावर n लिखा है, डिवाइडेड बाय इसको बोलेंगे 3 टू द पावर 3 n इंटू 2 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1/27। ओके, अब देखिए 3 की पावर 2n बनेगा, ये 2 और ये n, तो क्या होता है जब पावर्स मल्टीप्लाई होती है तो ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम है तो यहां पर बेस सेम है तो बेसिकली ये कंबाइंड होकर बन जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3m इनटू क्यूब का मतलब है नीचे है 8 1 अपॉन 27। ओके, ये हो जाएगा 3n प्लस 2, ओके, तो दिस इज 3 टू द पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 टू द पावर 3n डिवाइडेड बाय 3m 3 टू द पावर 3n इनटू 8 इज इक्वल टू 1/27। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें ये जो 3 स्क्वायर लिखा है, अगर हम इसको पावर में इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ
ये 9 बनेगा, तो 9 इंटू अगर हम चाहें तो इसको ये भी इस सेम एक्सप्रेशन को अगर मैं पावर नहीं लिखूंगा तो दिस विल बी सिंपली 9 इंटू 3 की पावर 3n। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आगे हम लोग कॉमन निकालने वाले हैं, अगर चाहे तो यहीं से भी आप कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए यहां से अगर हम कॉमन निकालेंगे 3 की पावर 3n तो अंदर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मीन 9 माइनस यहां बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3n इंटू 8 इज इक्वल टू 1/27। तो ये 8 है, 8 से 8 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो दिस विल बी 3 टू द पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 ऑफ 3 की पावर माइनस 3। तो बस करस्पॉन्डिंग पावर्स कंपेयर कर लेंगे, तो करस्पॉन्डिंग पावर कंपेयर करने का मतलब है 3n माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 से डिवाइड कर दीजिए तो m माइनस n इज इक्वल टू 1। यही हमको सॉल्व करके निकालना था। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसमें। अब ये जो क्वेश्चन लिखा है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे तो आपको आगे भी बहुत काम आएगा अगर आप मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है। तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 हमको फाइंड आउट करना है, x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान से दीजिए, x प्लस 1 अपॉन x ये जो लिखा है अगर तुम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल टू 9। ये कट जाएगा तो दिस विल बी सिंपली 2, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये सिंपल सा आंसर है, लेकिन आपको यहां पर मैं एक चीज और एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा इसमें, अगर कभी भी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या पहला तरीका, x प्लस जो हमने यहीं पे देखा है x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 2, एंड दूसरा तरीका होता है x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 2। आप चाहें तो होल स्क्वायर ऑफ करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत आसान सा रिजल्ट है लेकिन काफी काम का रिजल्ट है, ये आगे क्लासेस में बहुत काम आता है हमारे।
हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये लिखा है 1/(1+√2), तो मैं इसका एक टर्म देता हूं सिर्फ ये वाला, और इसको देखते हैं रेशनलाइज करके क्या मिलता है आपको। रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि जो भी लिखा है डिनोमिनेटर में उसमें बीच में माइनस साइन लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज 1/(1+√2), इसको रेशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो ये बनेगा 1 √2/(1+√2). ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इनफैक्ट आप इसको ऐसे लिख लीजिए बजाय, क्योंकि रूट टू वन से बड़ा है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको लिख रहा हूं √2-1 और √2-1। इसको आप सोचिए ये लिखा है √2+1। ओके नाउ अब देखिए इसमें क्या होगा, ये बनेगा ऊपर तो बनेगा √2-1 अपॉन नीचे क्या बनेगा, देखिए a + b a - b, दिस a² - b² a² - b² √2-1/(2-1)/(1), तो ये सिंपली बचेगा √2-1। इसी तरह जब हम इस टर्म में रेशनलाइज करेंगे तो ये टर्म बन जाएगा √3-√2, ये टर्म बन जाएगा √4-√3। आप चाहे तो रेशनलाइज करके लिखते चलिए, तो देखिए यहां पर क्या होगा, जब हम ऐड करेंगे तो मैं ऐड करने के लिए सारे टर्म्स को लिख रहा हूं, तो दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू √2-1+√3-√2+√4-√3+√5-√4+√6-√5+√7-√8+√9-√8। ये सारे टर्म हमने सिंप्लीफाई कर लिए। अब यहां पर देखिए क्या होगा, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, +√2-√2+√3-√3+√4-√4, ऐसे ही टर्म्स कैंसिल होते चले गए, कि यहां पर मैंने छोटा सा मिस्टेक कर दिया है, √7-√6 एक टर्म छूट गया था, √8-√7 और +√9-√8। ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो सिर्फ दो ही टर्म बचेंगे, यहां पर -1 और वहां पर √9, -1 + √9 एंड √9 is 3, तो -1 + 3 दैट इज सिंपली 2। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। ओके, अब मैं एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उसको चाहे तो प्रैक्टिस करिएगा आराम से घर पे, और नहीं बनेगा तो उसको हम लोग डाउट पे डिस्कस कर लेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में भेजिएगा। इफ एक्स इक्वल टू 7-√45/2 फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/(x³-7x²+1/(x²+x+1/x)। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको ट्राई करना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके।